पूर्वार्ध अध्याय 133। हरि ना स्वरूप जेह जानो अनादि मुक्त अनूप जाग्या बपोर नमते दौड़ वागे ते सुख रूप संतने सुख आपवा वड़ी कापवा कष्ट कलेश मूर्ति नु सुख समझाव एज तान जैने हमेशा। मुक्त राज जागृत ते थया आव्या ओ सरी मा करी दया मंदिर नी ओ सरी ए अनुप आसन पर बैठा सुख रूप संत अने हरि जनो तणी सभा अतिशय मोटी ते बणी सटीक वचनामृत नित्ये कथा वाचे पुराणी ते प्रीत्ये सहु सांभळे छे एकतान वातो करे बापा श्री निदान पधार्या निज भुवन प्रीते चालता चाल गज गतीते खिचड़ी जमीने पाछा आवी मंदिर ना चौके कुर्सी न खावी बैठा वाये रे हवा ते लेवा शरीर मा छे गर्मी नो हेवा कथा वार्ता संतो एते करी अति अंतर मा प्रीत धरी मुक्त राज पण अति प्रीते मंदिर मा आव्या रूढ़ी रीते ठाकोर जी ना दर्शन करी संतो ना दर्शन कर्या फरी हरिजनो ना दर्शन थया पधार्या चौक मा करी दया ढोलिया पर शयन करता सुता सुता ध्यान रूडू धरता दस वागे कथा कीर्तन तणी करी समाप्ति है तथी घणी पछी संत मुक्त श्रीनी पासे चारे कोरे बैठा छे हुल्लासे संतो माड़ा भजन बहु करता घणा संत बैठा ध्यान धरता पछी वाग्यो छे रात्रि नो एक संत बैठा छे पासे विशेक ते समय जाग्या बापा श्री जानो सौने दर्शन आप्या प्रमाणो पछी खाटलो पोतानो जेह ओरडी माले वराव्यो ते ह करे वातो मुक्त राज बहु सुता सुता संत ने ते कहूं एम अहो निश सुख कारी सुख आपे छे सहुने भारी संत मंडल पण घणु घणु सुख लेता समागम तणु कोई दिवस तो बापा वहेला पांच वागे दिवस उग्या पहला स्नान पूजा विधि पूरो करी बैठा आसने रूढ़ी हो सरी ते समय वर्णी पार्षद संत
हरिजन हेत थी अत्यंत स्नान पूजा दर्शन करी बैठा पासे मूर्ति है ते धरी प्यारे निर्गुणानंद ब्रह्मचारी बोले वचनामृत मूर्ति धारी कंठे बोलता हता सुजान छेलू सत्तर मुते प्रमाण तेमा भरत जीनी आवी वात थया भरत मृग साक्षात ते वात सांभळी बापा श्रीते आपे शिखामण बहु रीते भरत जी राज्य मेली चाल्या थया साधु ने भगवा घाल्या वळी मृगना बच्चाने विषे थयू हेत पोताने अतिशे तेथी बंधन थयू जरूर माटे राखवो विचार उर साधु थया छीए जानो नक्की बंधावु नहीं ते कोय थकी महाराजनी आज्ञाने विषे दृढ़ रहेवु सदाय अतिशे आज्ञा पाळवी बहु करी प्रीत बीजे जावा देवु नहीं चित्त महाराजनी मूर्ति सिवाय बीजे हेतन राखवू क्याय लौकिक पदार्थ ना लोभे करी आज्ञा लोपवी नहीं ते जरी संत आगळे पदार्थ तणा ढगला थाय छे घणा घणा तेह माने जो पोतानू करी राखे पदार्थ पटारा भरी तो आज्ञा नव रहे जरूर माटे विचार करवो उर जुओ सद्गुरु स्वामी जे ह निर्गुण दास जी मोटा ते ह एह देश मा फरवा जाता पदार्थ ना ढगला ते थाता फरी मंदिर माही ते आवे धोतियानू गाडू भरी लावे वळी मंदिर मा स्वामी होय तो पण हरि भक्तो आवे सोय लावे धोतिया घी गोळ मेवा फळ फूल साकर आदि एवा वस्तु लावी लावी ढग करे स्वामी आगळ आवीने धरे तो पण पोते स्वामी ते माथी जोईए अवश्य जे हते माथी तेटलू ज ग्रहण पोते करे वधु राखवामा बहु डरे निज मंडळ ना संत जे ह एने पण अवश्य जोईए ते ह तेटलू ज स्वामी पोते आपे आज्ञा प्रमाणे ते पण मापे पण पोताना साधु ते जे ह लई न शके पोता मेळे ते ह कोईने आडू अवळू लगार दई शके नही निरधार होय मंदिर मा साधु जे ह साजा मादा वृद्ध बाळ ते ह तेने जेम घटे तेम जाणो आपी देव रावे ते प्रमाणो बाकी ठाकोर जी ने ते देता पण वधु जराय न लेता तेम आपणे व्रत वूठीक राखी प्रगट प्रभुनी बीक संतनी सेवा हरिजन करे
फळ फूल वस्त्र लावी धरे ते पण श्रीजी महाराज तणी सेवा पूजा करे छे ते घणी एम जाणवू मन मा जरूर मान आववान देवू उर धोतिया आदि वस्तु जे आवे हेते हरिजन कोई लावे ते पण श्रीजी महाराज ने दे छे जरा पोता पणु ते न ले छे एम समझवू जने सही पण पोतानू मानवू नहीं अवश्य जो तू पदार्थ लेवू सदा आज्ञा परायण रहेवू संत मंडळ सहुने कहिए ज्यारे रात्रिये सुईते रहिए त्यारे दीवो राखवो ते ह तेने साक्षी समझवो ते ह वळी गुरु शिष्य मळी सहु पासे पासे सुवू सौने कहूं पण शिष्य सुए जई क्याई गुरु पण सुए क्याय जई एम न राखवू ते निर्धार पासे सुवू सहुने करी प्यार भेगा बैसी कथा वार्ता करवी हेते सांभळवी हृदे धरवी लीला कीर्तन ते हेते करवा जावू नहीं आड़ा वड़ा फरवा मूर्ति धारी प्रगट प्रमाण करे सेवा ते संत सुजाण एवी मुक्त राज बापा श्रीए करी वात ते सांभळी सौवे वळी बोल्या मुक्त राज वाणी सहु पर दया ते आणी हमने तो एम जवर ते छे एक महाराज श्रीजी रहे छे महाराज नी मूर्ति सिवाय बीजू गम तू नथी ते काय पण कहे शो हमणा वात हे बापा म तात ल्यो ल्यो एम कहे शो तमे त्यारे शू करिए वळी अमे तमने राजी करवाने काज जरा ग्रहण करिए आज संत हरि जन हित आणी करे सेवा महिमा ते जाणी तेना भाव थी सेवा ते तेनी करिए अंगीकार जरा एनी राजी करवा संत हरि जन ग्रहण करिए वस्त्र भोजन पण आलोक नीची जे ह ते मारुचि नहीं जरा ए ह हमने भाव नथी लगार कहिए साचे साचू निरधार हमें तो एक महाराज विषे रस बस रहिए अतिशे महाराजनी मूर्ति ये करी एक सुखे सुखी सर्वोपरि मूर्ति ना सुख ने ज भोगविए मूर्ति मा ज सदा रह्या छइए आ देह भाव तो जे देखाय ते तो देखावा मात्र लेखाय हमे तो अक्षर धाम माज बैठा छइए सदाय त्याज पण पिंड ब्रह्मांड ते तणु नथी आवरण एक अणु सर्वे ना कारण सर्वोपरि
सौने वश करूं दृष्टि करी, सौनो प्रेरक हूँ भगवान, एम बोलिया पे ते निदान। आपणने श्रीजी महाराज केवड़ा मळ्या छे जुओ आज, साकर नू नाळियेर लईए तेमा त्याग भाग ते शू कहिए। तेम महाराज नी मूर्ति एह दिव्य तेजोमय जानो तेह, झड़ झड़ाट छूटे छे तेज, सदाय किशोर मूर्ति छे एज। तेमा रस बस जोड़ाई जावू, तेमा अति आनंद रूप थावू, पण मन एवू छे न ठारू, आवी मूर्ति थी जातू रहे बारू। पुस्तक पाना मा क्याय नू क्याय, जातू रहे दौड़ी माया माया, पण विचार ते करी एम, मन ने पाछू वाळवू तेम। जे हे मन तू जो ने विचारी, अहो अहो आवा सुखकारी, महाराज ने मुक्त आजे ह, आवू मूर्ति नू सुख ते ह। तेने मेली ने हे तू पापिया, तू तो दौड़्यू दौड़्यू जई शकिया, पापिया तू विष्टा खावा जाश, तेनो कर जरा तू तपास। महाकाल सुधी नू ते ह, प्रकृति नु कार्य सर्वे जे ह, झेर नु जाड़वू छे जरूर, हेम विचारी ने जोने उर। आपण ने तेमाथी जोईए तेवो, क्याय माल मळे नहीं एवो, वैराट थी पर छे ते जे ह, प्रधान पुरुष जानो ते ह। तेथी पर प्रकृति ते छे जो, तेथी पर पुरुष जानी ले जो, तेथी पर महाकाल जानो, वासुदेव ते पर प्रमाणो। तेथी पर अक्षर छे भाई, तेमा माल मळे नहीं काई, पण सत्संग मा आज हाल, जानी बैठा अक्षर मा माल। केटलाक नाते जीव माई, गरी गया अक्षर ठसाई, पण अक्षर थी पर जे ह, अक्षर धाम ना पति ते ह। श्रीजी महाराज छे निरधार, तेम ना मुक्त पण अपार, एह मुक्त पण अक्षर थकी, पर छे ते ह जान जो नकी। पण महिमान समझाय, कोई वात करे तो मुझाय, आतरडाते तणाय वळी, समझवामा श्रद्धा न भळी। पण श्रीजी महाराज एह, तेमना मोटा मुक्त जे ते ह, तेमने जेवा जाणशू तेवा, थाशू आपण पण ते एवा। जेवा महाराज श्री ने जाणीए, तेवा आपणे जाण जो थईए। ते आ संत हरिजन जे ह, अक्षर धामनी सभा ना ए ह, अक्षर धामनी सभा मोझार, बैठा छीए जानो निरधार। पण वळी आ सभा माही थी,
जातू रहवाय क्या आही थी। जैम मा कड़ू होय ते वो लगार खरज थाय ते वो तेने खोतरी ने पाड़े भाठा तेवा जीवना स्वभाव माठा। मोटा सुख माथी भागी जाय बीजे जई मार बहु खाय। माटे मन इंद्रियो ने वाड़ी रहवू प्रगट मूर्ति निहाड़ी। आज मळ्यो छे लाभ पार सर्वोपरि सौने सुखकार। एम जाणी आनंद मा रहवू सुख निर्गुण मूर्ति नु लेवू। इति श्री सहजानंद स्वामी चरण कमल सेवक शिष्य निर्गुणानंद वर्णी रचिते अनादि मुक्त चरित्रामृते पूर्वार्धे मुक्त राजे कथावार्ता प्रसंगे संतों ने अतिशय महात्म्यनी वातो करी सुखिया कर्या। ए नामे 133 मो अध्याय।